एक गांव में टोनी और राजू नाम के दोस्त रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन राजू टोनी से बोलता है, अरे टोनी, तुम्हारे चाचा रघु कोलकाता में रहते हैं ना, क्यों ना हम घूमने चले। हाँ भाई राजू, मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन रघु चाचा को यहाँ से गए काफी समय हो गया है और हम मिले भी नहीं है उनसे। अरे टोनी, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, रघु चाचा कोई बाहर के आदमी थोड़ी ही है। याद है ना, बचपन में वो हमें कितना प्यार करते थे। मैं तो कहता हूँ हमें चलना चाहिए, उनसे मिल भी लेंगे और इसी बहाने कलकत्ता भी घूम लेंगे। इस तरह राजू टोनी को उसके चाचा से मिलने के लिए मना लेता है। टोनी और राजू कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहाँ चाय वाला आता है। उसने अपना मुंह एक कपड़े से ढका होता है। राजू चाय वाले को बुलाता है और बोलता है, अरे चाय वाले भैया, दो चाय तो दो, और तुमने अपना चेहरा ऐसे क्यों ढक रखा है। लेकिन चाय वाला कुछ नहीं बोलता और राजू को दोनों चाय पकड़ा। फिर में टोनी को टॉयलेट आता है और वो टॉयलेट की ओर जाता है। जैसे ही टोनी टॉयलेट से बाहर निकलता है, उसे वही चाय वाला ट्रेन के गेट के पास खड़ा दिखता है। टोनी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो टोनी को देखकर चलती ट्रेन से कूद जाता है। ये देखकर टोनी जोर से चिल्लाता है, अरे कोई रोको ट्रेन को, ये क्या हो गया, चाय वाला गिर गया ट्रेन से, कोई तो रोको। टोनी को यूँ चिल्लाते देख ट्रेन के अंदर बैठे लोग और राजू वहाँ आ जाते हैं। राजू टोनी से बोलता है, क्या हुआ टोनी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ। अरे राजू, वो चाय वाला तो कूद गया इस ट्रेन से, मर गया वो। टोनी की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं और एक आदमी जिसका नाम पप्पू होता है, टोनी से बोलता है, लगता है भैया को नींद आ रही है, तभी सपने वाली बातें कर रहे हैं। फिर टोनी और राजू अपनी सीट पर आकर सो जाते हैं। थोड़ी देर में टोनी की आंख खुलती है। वही चाय वाला उसके पैरों के पास खड़ा होता है। कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो और अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे। चाय वाला टोनी की बात सुनकर अपने चेहरे से कपड़े को हटाता है। चाय वाले का चेहरा बहुत ही भयानक होता है। वो एक शैतान की तरह दिख रहा होता है। चाय वाला हंसते हुए बोलता है, तुम सब की मौत इस ट्रेन में तुम्हें खींच लाई है, तुम सब के सब मरोगे। ऐसा कहकर चाय वाला वहाँ से गायब हो जाता है। टोनी राजू को उठाते हुए बोलता है, राजू भाई उठो, कुछ गड़बड़ है, वो चाय वाला वो शैतान है, उठो, लगता है तुम्हें नींद की गोली देनी पड़ेगी। पहले बोल रहे थे वो ट्रेन से कूद गया, अब बोल रहे हो वो शैतान है, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें टोनी। तुम बैठो, मैं आता हूँ देखकर तुम्हारे शैतान को। ट्रेन चलते चलते रुक जाती है। ये देख राजू भी घबरा जाता है और टोनी के पास वापस जाता है। फिर राजू और टोनी ट्रेन के ड्राइवर के पास जाते हैं। रास्ते में हर डिब्बे में कई लाशें पड़ी होती हैं। टोनी, तुम्हारी बात मैंने मान ली होती तो सही रहता, लगता है हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, यहाँ तो चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी। ये देख कर राजू और टोनी और भी घबरा जाते हैं। दोनों चलते चलते ट्रेन के इंजन के पास पहुंचते हैं। वहां पर ड्राइवर बेहोश पड़े होते हैं और चाय वाला ड्राइवर सीट पर बैठा होता है। तुम दोनों, मुझे पता था तुम दोनों आओगे। लेकिन अब तुम्हारी मौत पक्की है। चाय वाले की बात सुनकर राजू और टोनी ट्रेन के इंजन से निकलकर भागने लगते हैं। तभी वहाँ कंकाल आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी टोनी और राजू को वहाँ पप्पू मिलता है, जो कि शैतानों के डर से छुपा बैठा होता है। पप्पू को देखकर टोनी बोलता है, अरे पप्पू भाई, तुम यहाँ, तुम कैसे बच गए, लगता है तुम्हें मुझे जिंदा देखकर खुशी नहीं हुई। कैसी चमन जैसी बातें कर रहे हो पप्पू भाई, भला हम क्यों खुश नहीं होंगे, हम बहुत खुश हैं। तभी वहाँ कंकाल आ जाते हैं और तीनों को घेर लेते हैं। एक कंकाल हंसते हुए बोलता है, क्या सोच रहे थे हम लोगों से बच जाओगे, तुम तीनों की मौत आज निश्चित है।
लेकिन तभी न जाने पप्पू में कहां से ताकत आ जाती है और वो कंकाल को जोर से लात मारता है। कंकाल वही टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर पप्पू हंसता हुआ बोलता है, टूटा फूटा तो पहले सही था, एक लाख पड़ी तो बिखर गया। अरे उससे कुछ नहीं हुआ, वो देख वो कंकाल फिर से जुड़ रहा है। भाइयों ज्यादा सन्नी देओल बनने की जरूरत नहीं है, इससे पहले इन्हें गुस्सा आए हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। फिर टोनी राजू और पप्पू उन कंकालों से बचने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक ही दीवार के पीछे छुप जाते हैं। हमारी जान बच गई, काफी देर हो गई और वे कंकाल हमारा पीछा नहीं कर पाए। हम आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अरे यह तो वही कब्रिस्तान है, हम घूम फिर कर वहीं आ गए, अब हम नहीं बचेंगे। तुम तीनों ने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम तीनों नहीं बच पाओगे, तुम्हारी मौत पक्की है। ऐसा कहकर कंकाल उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ वही भयानक सा दिखने वाला चायवाला आ जाता है। उसे देखकर कंकाल बोलता है, तू फिर आ गया, तूने पहले भी हमारे कई शिकार निकाले हैं, लेकिन आज पहले तुझे ही मारना पड़ेगा। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम सब मुझे भी मारने की कोशिश करोगे, इसीलिए मैंने तांत्रिक से तुम लोगों से छुटकारा पाने का एक उपाय करवा लिया था। ऐसा कहकर चाय वाला अपनी जेब से भभूत निकालकर उन कंकालों के ऊपर गिरा देता है। सारे कंकाल जलने लगते हैं और थोड़ी ही देर में जलकर भस्म हो जाते हैं। पप्पू राजू और टोनी चाय वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम तो महान हो भाई, हम तो तुम्हें ही शैतान समझ रहे थे, तुमने हमारी जान बचाई। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, कहीं फिर से कोई शैतान न आ जाए। चाय वाले की बात सुनकर तीनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राजू पीछे मुड़कर देखने लगता है। ये देख चाय वाला बोलता है, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो, नहीं तो हो सकता है फिर से कोई शैतान आ जाए। चाय वाले की बात सुनकर तीनों बिना मुड़े सीधे सीधे जाने लगते हैं। तभी चाय वाला जोर जोर से हंसने लगता है। जाओ जाओ, आगे तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, कोई मौत के हाथों से बचा है आज तक?